अब एक महीने बाद फिर से हिंदी में डब करके इसे री रिलीज किया। इकलौती इंडिया की मूवी है जो 9.7 आईएमडीबी रेटिंग है। केजीएफ कांतारा ये सबसे हाईएस्ट रह चुके हैं आईएमडीबी रेटिंग्स पर। एट प्रेजेंट मूवी की रेटिंग 9.2 है, लेकिन 9.7 टच करने वाली इंडिया की इकलौती मूवी है। क्या ये मूवी सच में आपका इतना टाइम डिजर्व करती है या फिर सब कुछ बोल बच्चन है और हाइप क्रिएट किया है? अभी का रिव्यू हम करेंगे तीन पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट के साथ। दमन। पॉजिटिव नंबर वन, हिंदी डबिंग। संकेत मात्रे सर, क्या आवाज है यार आपका। डॉक्टर सिद्धार्थ लीड एक्टर पे परफेक्टली सूट होता है और ऊपर से सॉन्ग भी सारे के सारे हिंदी में डब किए हैं। जब सॉन्ग हिंदी में डब होते तो थोड़े अजीब से सुनाई देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। टोटल 6 से 7 हिंदी डब सॉन्ग्स है और इसकी नेगेटिव में बात करेंगे। इसके हिंदी डब में कोई रीजनल एक्सेंट नहीं, ना ही कोई बॉलीवुड का चीप रेफरेंस, एकदम हाई क्वालिटी। पॉजिटिव नंबर टू, डायरेक्शन। विशाल मोरिया और टेबी लेंका ने इसे राइट और डायरेक्ट किया। एक लाइन में अगर बताऊं तो थिएटर की सीट से उठाकर आपको सीधा ओडिशा के ट्राइबल और रूरल एरिया में ट्रांसफर कर देती है। वहां का पूरा एरिया आइसोलेटेड है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं और इन सब के ऊपर उन गांव वालों का शोषण किया जा रहा है, इन ढोंगी बाबा और जो नक्सलवादी जो कभी भी आके शूट आउट कर देंगे। इन सब में डॉक्टर सिद्धार्थ एकदम पंचायत के सचिव जी की तरह फंस चुका है, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे ये ठान लेता है कि पूरे एरिया को मलेरिया फ्री जोन बनाना है। मूवी में बहुत अच्छा डायलॉग है कि इंसान चांद तक पहुंच गया लेकिन मच्छर का कुछ नहीं उखाड़ पाया। मूवी में अलग अलग मेडिकल इमरजेंसीज के सीन्स है लेकिन बस उन्हें जोड़ा नहीं गया अच्छी तरह, इसकी नेगेटिव में बात करेंगे। सेकंड हाफ में जिस तरह से दमन का प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है डॉक्टर सिद्धार्थ, बाय द वे दमन का फुल फॉर्म है दुर्गमा अंचलारे मलेरिया निरकरण। मूवी की आईएमडीबी पर इतनी हाई रेटिंग इसलिए क्योंकि डायरेक्टर ने इमोशनली कनेक्ट किया सबको। एंड तक भी नहीं, मैं इंटरवल के पहले ही एक दो बार रो चुका था। और आखिरी पॉजिटिव है परफॉर्मेंस। लीड एक्टर के पहले मैं नाम लेना चाहूंगा दीपान्वित, जो मुझे पंचायत के विकास की याद दिला रहा था। और यही नहीं, जितने भी गांव वाले हैं जिनके छोटे छोटे रोल्स हैं वो एकदम परफेक्ट, एकदम कांतारा की तरह लग रहा था। कांतारा मूवी में नहीं, जो गांव वाले साइड एक्टर्स दिखाया वो कितने परफेक्टली सेम ऐसा ही है। और इन सबके ऊपर स्टार ऑफ द मूवी बाबूशन मोहंती, भाई क्या एक्सप्रेशन, क्या फ्रस्ट्रेशन, क्या एनर्जी। मतलब मूवी शुरुआत यहाँ से होती है फिर धीरे 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 ऊपर ही जाती है, परफॉर्मेंस हो या फिर मूवी का इम्पैक्ट हो सब कुछ। लेकिन नेगेटिव नंबर वन, स्क्रीन प्ले। स्लो पॉइजन है मूवी। 6 से 7 गाने जो इतने स्लो मोशन में लिए गए हैं फील करवाते हैं आपको 2 आवर्स। मूवी स्लो तो है, 2 आवर्स फील करवाती है। और एडिटिंग में कुछ सीन्स को बराबर जोड़ा नहीं गया है, एकदम से कुछ भी एंटर हो जाता है तो वो थोड़ा फील होता है सेकंड हाफ में। लेकिन इन सबके बावजूद मुझे आज समझ आया कि मूवी 2 टाइप की होती है, पहली एंटरटेनमेंट के लिए और दूसरी सोशल अवेयरनेस के लिए। ये मूवी सेकंड टाइप की है। इस मूवी को एज अ सोशल अवेयरनेस के लिए स्कूल और कॉलेजेस में दिखाना चाहिए। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मूवी को हिंदी में डब किया, कोई शो भी कैंसिल नहीं हुआ मेरे एरिया में और मूवी देखने को मिली। मैं निकलता हूँ अगली मूवी देखने, लेकिन हालत ऐसी हो चुकी है जो मूवी देखने मिली वो देखना पड़ेगा क्योंकि पठान ने सारे शो कैंसिल करवा दिए। इस वीडियो को लाइक करो ना करो चलेगा, लेकिन अगर आपने ये मूवी देखी है तो किसी और को रेकमेंड कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।